अब क्या बोलेंगे हुकूमत को? हुकूमत को ये बोलेंगे मेहरबानी करो भाई, ये आटा चीनी आयल और ये टैक्स जो है ना बहन जो बिजली पे लगाया हुआ इसे मजाक से लावा यार। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अभी मैं मौजूद हूँ डिग्री शहर के बाहर और अभी डिग्री शहर में इंटर होंगे हम लोग और डिग्री की आवाम से बात करेंगे कि महंगाई के टाइम में उनका किस तरीके से गुजर बसर हो रहा है और किस तरीके से इस महंगाई ने इन गरीबों की कमर को तोड़ा है। चलो सुमित चलते हैं और हाँ आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? खैर दुआ। सर आपका नाम? गुलाब। गुलाब गुलाब सर, ये ज़रा महंगाई के हवाले से कुछ बताइएगा कि क्या चल रहा है। महंगाई की तो बात पूछो नहीं, महंगाई इतनी हुई है जो आवाम परेशान है। अब हमारे छोटे दुकानदार हैं, हमारे पास कोई ग्राहक भी नहीं आया। अब 12 एक बज रहे हैं, अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं हुई है। कारोबार रोज़ लोग अपने पेट की करें या महंगाई की करें, इस हुकूमत ने आवाम का जीना बुरा हाल कर दिया है। आवाम आटे में बंधे पड़े, ना कपड़ा ना जूती, कोई कारोबारी लोग परेशान है बहुत। बिजली लाइटों के बिल 6000 का बिल है तो उसको 12000 हो गया है, 6000 टैक्स लगा दिया है। ये हुकूमत आवाम के पीछे पड़ी हुई है, बोले ना गरीबी होगी ना गरीब रहेगा। नहीं ये पार्टी तो कानून जो भी जो मौजूदा हुकूमत है वो तो कह रही है कि हम रिलीफ देंगे, कोई रिलीफ नहीं है। आवाम परेशान, किसी गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ नहीं दिया है। 2000 चंद औरतों को दे दिया बस, हमने रिलीफ दे दिया। 2000 का बहाना कर लिया, कोई फोटो सेशन करवा लिया बस, कोई रिलीफ नहीं है। आवाम परेशान है। पीटी के साथ थे या उसके भी? नहीं नहीं, हमारा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। हम यही चाहते हैं कि भाई गरीब आवाम को रिलीफ मिले। पार्टियां तो आती जाती रहती हैं, कोई नहीं है, बस गरीब आवाम का भला हो बस। सही, ठीक, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम सर, क्या नाम आपका? रिजवान अहमद। रिजवान अहमद साहब, क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह पाक। सर ये महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, इस महंगाई के हवाले से आपकी क्या मैसेज है, आपकी क्या राय है? महंगाई तो सही, अभी बात ये चोर हुकूमत मुसल्लत हो गई है तो अभी जो एक हकीकी लीडर था इमरान खान, उसको तो उतार दिया है। बहरहाल इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। आपका क्या राय है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हुकूमत को? हुकूमत को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई सस्ताई करे, गरीब आवाम का ख्याल करे। 90 रुपये किलो पे आटा पहुँच गया, 2200 रुपये कनकी का रेट निकाला था, यानी 55 रुपये किलो आटा 90 रुपये किलो मिल रहा है। कोई नोटिस लेने वाला भी नहीं है, कोई महंगाई इतनी हो चुकी है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। जब कोई चीज़ चढ़ाते हैं चढ़ जाती है, लेकिन जब चीज़ उतरती है तो वो चीज़ें उतरती नहीं। हाँ ये तो हकीकत है, ये पाकिस्तान का असूल है, जो चीज़ चढ़ गई वो अगर बाद में प्राइस गिर भी जाएंगे तो दुकानदार हजरात नहीं गिराएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? अब्दुल कादिर मलिक। सर देखें, महंगाई जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि गरीब आवाम जो है खाने के लिए परेशान है, ये हम सबको पता है कि, और हुकूमत ने इतने रेट्स बढ़ा दिए हैं, उस हवाले से आपका क्या कहना है? आपका मतलब कैसा चल रही है ज़िंदगी किसी पर? हम तो ये बोलेंगे कि पिछले साल जब हम रेड़ा लगा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह सेब बिक रहा 50 रुपये 60 रुपये अच्छा सेब, वो भी अभी सेब भी हल्का और रेट भी बहुत महंगा है, गरीब आदमी जो खा नहीं सकता है। अमीर आदमी है उसको भी रेट बताते हुए बोलते बहुत महंगा भाई, भाई पीछे से ही महंगा आ रहा है, हर चीज़ महंगी लगी पड़ी है। मुल्क में कोई चीज़ ऐसी नहीं जो सस्ताई की तरफ जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछली हुकूमतें थी या उससे पिछली हुकूमतें थी, जैसे पिछले दौर गए सस्ताई थी, लेकिन ये जो दौर है ना, हर बंदा परेशान, इतना परेशान है कि आज भी मैंने अखबार पढ़ा 92 में 30 लाशें दरिया सिंध से, ये आज का जो ना यकम मुहर्रम की बात है, 30 लाशें मिल चुकी हैं। वो 30 लाशें ऐसी जो बेरोजगारी में लोग खुदकुशियाँ भी कर रहे हैं, बीवियाँ खुदकुशी कर रही हैं, घर में घरेलू झगड़े हो गए, क्यों अखराज बढ़ गए भाई, अखराज इतने हो गए कि घरों में लड़ाई हो गई है। अभी आमदनी है 500 रुपये, खर्चा आ रहा 1500 रुपये, चाहे वो रेड़े वाला हो चाहे कोई भी हो, घर में झगड़ा ही झगड़ा है। और इस टाइम पे हर बंदा परेशान है, हम तो सोचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला रहम करे, बाकी हुकूमतों में तो भाई कोई हाल नहीं है। अगर मुल्क की तरफ देखा जाए तो मुल्क में इस टाइम जो है ना हर बंदे परेशान लगा पड़ा है। पिछले साल 50 रुपये किलो था, इस साल 150 रुपये किलो है, मतलब डबल से भी ज़्यादा हो गया, से भी ज़्यादा हो गया। हुकूमत को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? हम ये मैसेज देना चाहेंगे, या तो भाई अल्लाह का खौफ करो, सस्ताई करो, सस्ताई वो करो जो लोग गरीब, जैसे आटा है चीनी है दालें हैं जो रोज़मर्रा की अशियाँ हैं, फ्रूट तो जो लोग गरीब आदमी नहीं खाएगा, काम चल जाएगा। आटा तो भाई रोज़ चाहिए ना, चीनी भी चाहिए, दूध भी चाहिए,
अभी गरीब आदमी क्या जाए, ये तो चलो अमीर आदमी का फ्रूट सिस्टम हो गया, गरीब की बस की बात नहीं जो फ्रूट खा लें, क्या समझा। अभी तो इतनी महंगाई हो गई है कि ले आने वाला ही परेशान है, जो पिछले जमाने हम उससे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि बिकेगा हम तो कर्जा ही हो रहे हैं आस्ते आस्ते। अभी वो कर्जा किसने उठाए, अभी कर्जे वाला की कर्जा मांगते हम तो छुप जाते हैं। अच्छा सही है बात, ये भी बात है, एक भाई एक बात की नहीं है, ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान की यही बात है कि यार वो गरीब जो है गरीब तर होता जा रहा है, अमीर जो है अमीर तर होता जा रहा है। हम तो ये बोलते हैं भाई, या तो गुर्बत खत्म कर दो या फिर गरीब को ही मार डालो भाई। सर तो 2000 रुपये शहबाज शरीफ साहब ने दिए तो हैं गरीबों को, 2000 रुपये वो किसी के हैं किसी के नहीं, 2000 में शहबाज शरीफ साहब को बोलो अपना घर चला के दिखाए, अपना घर चलाए 2 लाख में चला ले, चलो गरीब ये आवाम के मुतालबे है। तो 2000 का बिल आता है, चल 2000 रुपये टैक्स हम कहाँ से बुलाएं गाड़ी वाले भाई, कमा रहे हम 500 रुपये खर्चा भेजो 800 रुपये, 300 रुपये रोज नुकसान हो रहा है। यही बात मंडी वाले हमारे को माल दे रहे, यही बात है कि 2-3 साल पहले जो 50,000 आदमी कमाता था वो खुश जिंदगी गुजारता था, खुशगवार जिंदगी गुजारता, अभी जो लाख रुपए कमा रहा है वो भी जिंदगी इतनी मतलब बेकार गुजार रहा है कि आपको अंदाजा नहीं है उसका, इतनी दुश्वारियां आ गई। 240 रुपए किलो हो गया, और जो जो अपना आयल है वो जो है 500 रुपए पे पहुंच गया है, 450 पे पहुंच गया है। आपका आप क्या बोलेंगे हुकूमत को? हुकूमत को ये बोलेंगे मेहरबानी करो भाई, ये आटा चीनी आयल और ये टैक्स जो है ना बिजली पे लगाया हुआ, मजाक से लावा यार, देखो यार 5000 रुपए बिल 5000 टैक्स, ये ना मंजूर इंपोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, इनको रोडों में निकाल के इनको घसीटा जाए, इनके कपड़े फाड़े जाएं, इन्होंने गरीब आवाम को कितना तंग किया हुआ है, गरीबों का खून चूस रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं, फिर भी हम ये बेशऊर आवाम जिए जिए जिए, इनको ये नारा मत लगाना चाहिए। लेकिन लेकिन सर जब इमरान खान की हुकूमत जो आदम एतमाद में हारी गई थी तो शहबाज शरीफ साहब ने बोला कि मैं रेट कम करूंगा, लेकिन उन्होंने तो बहुत ज़्यादा हाई कर दी है, आपके ख्याल से इमरान खान की हुकूमत सही थी है जो अभी जो नून लीग चल रही है वो सही? इमरान खान की हुकूमत बिल्कुल सही थी, हक और सच की हुकूमत थी, हक और सच की बात थी, हक और बातिल की बात थी, ये झूठे हैं सारी जिंदगी से, सन 1980 से लेकर आज तक इन्होंने झूठ ही झूठ बोला, मुल्क को लूटा और मुल्क को खाया, मुल्क को तबाह, मुल्क को बर्बाद, चार छंडे ऊपर से बरसात के गिरते हैं तो जमींदारों की तबाही, जमींदारों की बर्बादी, जरात की बर्बादी, नाले फुल, पुराण फुल, लोग डूब जाते हैं और हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे के जब मुर्दा कब्रिस्तान में मरता है ना, जब मरता है ना तो जब मुर्दा कब्रिस्तान में जब जनाजा उधर रखा जाता है कब्रिस्तान में हम चार दीवारी बनाएंगे, कब्रिस्तान में हम पौधे लगाएंगे, कब्रिस्तान में हम फूल लगाएंगे, जब मुर्दा दफनाने के बाद फिर छुट्टी, जब बरसात होती है तब हम नाला साफ करेंगे, हम ऐसे करेंगे। इस सपोर्टेड हुकूमत ने कुछ नहीं करना, इन्होंने अमेरिका की गुलामी करनी है और ये कुछ भी नहीं कर सकते। जिंदाबाद तहरीके इंसाफ, जिंदाबाद खत्म नबूवत, जिंदाबाद अमेरिका मुर्दाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। देखिए हुकूमत है जिसकी भी हुकूमत, लेकिन सबसे पहले हम पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अकरम जनाब। देखें महंगाई जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, और जो हम हुकूमत जो हमारी कर रही है, डॉलर का रेट बढ़ गया है, तेल जो है वो ऊंचाई अपनी जो है ना ऊंचाई पे चढ़ गया है, तो उस हवाले से आपका क्या कहना है, मतलब मार्केट वगैरह के बारे में और शॉप पे हैं आपके, उस हिसाब से क्या कहना है, आप क्या बोलेंगे हुकूमत के बारे में? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ऐसे होना नहीं चाहिए, जब तेल महंगा होता है तो महंगाई कर देते हैं ये लोग, जब तेल गिरता है तो उनको गिराना चाहिए, इसलिए कोई गिराने के लिए तैयार ही नहीं है। असल जो जिम्मेवारी है वो है यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर की, वो यहाँ निकलने के लिए तैयार ही है, ना कोई हुक्मरान, ना कोई जो है अपना जो आवाम है पाकिस्तान की, बेयारोगार मददगार उनको छोड़ा हुआ है, कोई उनका धनी मालिक है नहीं, कोई पूछने वाला है ही नहीं है, इसके अलावा और मैं क्या कह सकता। अरे अभी जो शहबाज शरीफ की हुकूमत जो आई थी नून लीग की, तो उन्होंने बोला हम सारे सस्ता ही करेंगे, मतलब महंगाई को हम तोड़ देंगे, जो ये अभी अदम एतमाद हुआ था तो उसके बाद भी महंगाई जो है ना नहीं रुकी, वो ऊंचाई पर पहुंच गई, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मैं यही कहूंगा भाई, इनसे तो इमरान खान ही अच्छा था, जो इस 150 रुपये कम से कम 150 रुपये की 150 रुपये जो लीटर है वो पेट्रोल मिल रहा था सस्ता, और ये आयल वगैरह 250-300 रुपये मिल रहा था, जो 500-600 रुपये मिल रहा है, इससे वो अच्छे थे, ये क्या कह सकते हैं। सर अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि मतलब डॉलर तो बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, उस ये सुनने में आ रहा है कि
पाकिस्तान जो नेक्स्ट श्रीलंका बनने वाला है, बैंक करप्ट होने वाला है, इसके हवाले से आप क्या बोलेंगे कि ये सही होगा या मतलब? इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह का करम है, हम पे बड़ा करम है, हम लोग ना शुक्र हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह ऐसी नौबत नहीं आएगी। पर मैं ये कहूँगा कि सियासतदानों को तो कोई परवाह नहीं है, ठीक है ना, उनके अरबों खरबों डॉलर बार अकाउंटों में पड़े हैं, उनके उन्हें कोई टेंशन नहीं, अगर टेंशन है तो हम गरीबों को, है ना। सर शहबाज शरीफ ने जो है वो 2000 रुपये भी हर मतलब गरीब को वो ना दिए ना रिलीफ दिया है, 2000 से क्या मिलता है, 2000 से एक टाइम का राशन ही नहीं मिलता, क्या मिलेगा? तो हुक्मरान को आप क्या मैसेज जाएंगे, वो आपके क्या हुक्मरान को कोई मैसेज? मेरा यही मैसेज है, बदला हुक्मरानों को गर्क करे और क्या चाहिए हमें भाई। ठीक है सर, ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर आपका नाम? मेरा नाम रिजवान अराई है। रिजवान साहब ज़रा ये बताइएगा कि महंगाई के हवाले से आपकी क्या राय है? महंगाई ने तो इंसान का जीना मुहाल कर दिया है। असल में क्या है, महंगाई की एक मेन जो वजह जो ना, जो हमारे जो बड़े बड़े जो माफिया है ना, सबसे बड़ी जो महंगाई है इनकी, ये माफिया जो अब तक हमारी कंट्रोल नहीं हो रही। इमरान खान सही कहता था कि जब तक ये जो हमारी माफिया है, ये इनको अगर हाथ नहीं डाला जाए, इनको कंट्रोल नहीं किया जाए, तब तक जो ना आप जो भी हुकूमतें पाकिस्तान, चाहे मिसल PMLN की है या तरीके इंसाफ की है या पीपल्स पार्टी की है, जब तक दूसरा जो है ना, ये हमारे जो बड़े हजरात जो है ना, इनको अगर कवर नहीं किया जाए, अगर इनके ऊपर अगर हमें तवज्जो नहीं दी, तो ये मुल्क के लिए जो है ना, ये बासित नुकसान का बास बनेंगे वाले। आप कोई भी चीज़ अब डॉलर की हम दादा लगा के देख रहे हैं, डॉलर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, उसकी एक मेन वजह जो हमारे मुल्क की अशराफी है ना, वो यहाँ से इंपोर्ट करके लेके बाहर जा रहे हैं ये वाले। अगर हम यही अगर हमारे ऊपर अगर हमारे जो सियासतदान है, जो हमारे लीडरशिप है, अगर इनके जब तक हमारी लीडरशिप इकट्ठी नहीं बैठेगी, जितनी भी पार्टियाँ इकट्ठी नहीं आपस में तजाद ख़त्म करके हमारे मुल्क के लिए नहीं सोचेंगी, तो हमारे मुल्क का जो है ना, वो अल्लाह ही फैसे। इसलिए हमारे जो जितने भी सियासतदान हैं, हमारे स्टेक होल्डर हैं, जितनी भी जो है ना ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन अदलियाँ, इनको जब तक बैठ के एक टेबल पर नहीं आएंगे, हमारी ये महंगाई कंट्रोल ही करती है, चाहे यहाँ पर इमरान खान आ जाए, चाहे यहाँ पर नवाज शरीफ आ जाए, चाहे यहाँ पर पीपल्स पार्टी आ जाए। अब आप देख लो, घी 600 रुपये किलो हो गया, घी 600 रुपये किलो हो गया, आटा 100 रुपये किलो हो गया। अगर यूटिलिटी स्टोर पे जाओ, आटा लेने के लिए जाओ, तो वहाँ पर लेने लगी पड़ी हैं ना, वहाँ पर औरतों का एहतराम है ना, वहाँ पर दूसरा जो है ना बच्चों का एहतराम है, वहाँ पर भी हम खुद नाजायज़ करते हैं। एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर एक घर के अंदर चार फर्द हैं, तो चारों शनाख्ती कार्ड के ऊपर लेकर उनको जो है ना, वो घी भी मिल रहा है, उनको आटा भी मिल रहा, और एक गरीब है, बुढ़िया है, वो बेचारी 70-80 साल की है, वो बाहर बैठी है, वो सुबह आती है, चक्कर लगा के वो वापसी चले जाती है ये वाली। और ऐसी कारोबार हजरात हैं, जैसे हम दुकानों के ऊपर आते हैं, हम सुबह आते हैं, हमें शाम हो जाती है, कभी कभी तो हमें कोई पूछने वाला भी नहीं आता कि महंगाई, क्योंकि ये जो चीज़ें जो है ना, हम जो जैसे हमारा गारमेंट्स का काम है छोटा सा, ये हैं ज़रूरत की चीज़, मगर ये ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास कोई पुराने कपड़े हैं तभी भी लोग पहना लेंगे, मगर जब तक आपका पेट के अंदर आपका कुछ नहीं जाएगा, जब तक आपके बच्चे भूख से मर रहे हों, 140 रुपये किलो आपको दूध मिले और 100 रुपये किलो आपको चीनी मिले, 600 रुपये किलो आपको ऑयल मिले, आपकी इनकम आपकी रोज़ की हो रही 500, आपका खर्चा आ रहा है 700 रुपये, यानी कि आप 200 रुपये पर डे लॉस कर रहे हैं वाले। बाकी बाज़ार अभी देखो, कपास का रेट आर्मी मार्केट में 12-13 हज़ार रुपये, हमें यहाँ पर 4000-5000 पे मिल रहा है ये वाला। जो एक भान की बोरी है, अगर वो 8000 रुपए की है, जो पहले वो 4000 की थी, अभी 8000 की हो गई है, तो कम से कम ये जो मंडियों को चाहिए, जितने भी हैं, इनको कम से कम रेट तो बढ़ाएं ये वाला। जिम्मेदार को उनकी पूरी कीमत तो मिले, उनको उनका हक तो मिले। वो एक जिम्मेदार जो है ना, वो गन्ना लगाता है, 15-16 महीने की फसल है इसकी, ठीक है, वो गन्ना उसका जा रहा है 200 रुपये मण, 250 रुपये मण, 400 रुपये मण लकड़ी जा रही है, और 250 रुपये मण कमा जा रहा है वाला गन्ने से, बताओ तो सही। अब वो 16 महीने उसको संभालता है, उसका खर्चा कितना है, और क्या अब मुझसे लगा लो कि किस तरीके से वो पूरा करता है, वो खुद खाएगा या हाड़ी को देगा या भान वाले को पैसे देगा या अपना कोई सर्किट चलाएगा? भाई जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे ना, आप और हम, जब तक आप और हम मुल्क के लिए मुखलिस नहीं होंगे ना, जब तक जो ना हमारे मुल्क तरक्की नहीं कर सकते। और ये हमारे इस्लाम में भी है ना कि जैसी आया होगी वैसी हुक्मरान होते हैं। बिल्कुल होगी ये वाली, ये देखो, ये तो एक हदीस है, जैसे आवाम वैसे हुक्मरान। जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, जब तक मेरे भाई हम आगे नहीं बढ़ सकते वाले। यहाँ पर कोई भी हुक्मरान आ जाए, कोई भी हुक्मरान आ जाए, देखो हमें पार्टियों से भला तर होकर ये बात करनी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि मैं अगर मुस्लिम लून का सपोर्टर हूँ, या मैं PML तरीके इंसाफ का सपोर्टर हूँ, या पीपल्स पार्टी का, नहीं, जब तक हमें ये अपने जहन से निकाल के हम मुल्क के लिए सोचेंगे ना, फिर हमारा माशरा, हमारे मुल्क, हमारी तरक्की करेगी, हमारी आने वाली। हम क्या कर रहे हैं, हमारे सियासतदान अपना पेट भर रहे हैं,
डॉलर के अंदर पैसा बाहर लेकर जा रहे हैं, इनका काम सारा मुल्कों के अंदर डॉलर के अंदर रहने वाला है। तो मैं भी यही चाहता हूं हमारे सियासतदानों से, मैं इमरान खान साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आप आएँ और मिलकर बैठें। खुदारा आप अपनी सियासत को अलग रख कर आप मुल्क के लिए सोचें आने वाले। देखो अल्लाह पाक जिसको इज्जत देता है ना, उसको इस चीज़ के ऊपर वो कर लेना चाहिए कि यार अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है, मुझे अवाम की खिदमत करनी है। जब तक हम अवाम के लिए कुछ नहीं सोचेंगे, देखो आप कह रहे हो कि मैंने जो ना बरतानिया शहरी छोड़ी, ठीक है, और हमारा जो ये जो नवाज शरीफ साहब हैं वो इलाज कराने के लिए गए हैं, वो अभी तक वहाँ से वापसी नहीं आने वाले। देखो ये आप सिर्फ वहाँ पर बैठ के मज़े ले रहे हो और यहाँ पर हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है वाला। जो यहाँ पर वज़रा आता है, यहाँ पर एक DC, एक DSP और एक IG का तबादला होता है, वो करोड़ों के हिसाब से होता है, ठीक है। वो आगे पहले अपना सिस्टम अपना पेट भरेंगे या आवाम का कुछ करेंगे? भाई जब तक दूसरा जो है ना, ये हमारे मुल्क का निज़ाम, हमारी अदलिया का निज़ाम, ख़ास तौर के ऊपर हमारी अदलिया का निज़ाम बेहतर नहीं होता, हम आगे नहीं बढ़ सकते वाले, हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए दूसरा जो है, हम तो दुआ गो हैं अल्लाह पाक दूसरा जो है इस मुल्क की सलामत रखे। ये मुल्क है तो हम हैं, पाक फ़ौज हैं तो हम हैं, हमें अपनी पाक फ़ौज को मजबूत करना है। हम आए दिन दूसरा जो है ना, एक अगर एक सियासतदान के हक़ में फ़ैसला होता है तो हम कहते हैं उसको कि दूसरा जो है ना, वो पार्टी कहती है कि हाँ जज साहब ने अच्छा फ़ैसला दिया। अगर उनके खिलाफ बुरा फैसला होता है तो वो सड़कों के ऊपर आ जाते हैं। हमें ये रवायत से हटना होना चाहिए, हमें कम से कम अपने अंदर जो है ना एबिलिटी पैदा करनी चाहिए, हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंट पैदा करना चाहिए। अगर इस चीज़ में अगर हमें हमारे अंदर है तो हम अपनी कमी कोताही देखें, हम खुदारा हम मुल्क के लिए सोचें। हम बहुत पीछे रह गए, हमारा हाल श्रीलंका की तरफ जा रहा है। ऐसा ना हो कि ये वक्त दूसरा जो है ना हमें कहीं और लेकर चले जाए जहाँ से हमारा वापसी का रिश्ता मुश्किल हो। सही, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, आपका नाम? जी मेरा नाम अली अकबर है। अली अकबर साहब हैं, ये जो है नाबीन है, ये देख नहीं सकते, तो इनसे रिव्यूज लेते हैं, राय लेते हैं कि महंगाई के बारे में ये क्या बोलना है। तो अकबर साहब आपका महंगाई के बारे में क्या बोलना है? महंगाई ने तो हमारी कमर तोड़ दी है कि महंगाई ने इतना परेशान किया हुआ है। अल्लाह करे कि ये हुक्मरान आबाद रहें, लेकिन हम इनको गुजारिश करेंगे कि भाई ऐसा ना करें। हमारे पास गुर्बत की वजह से ना दो टाइम की रोटी भी नहीं खा सकते, इतने परेशान हैं हम। तो सर हुक्मरान जो है वो 2000 रुपए दे भी रही है गरीबों को, लेकिन हमें कह रहे हैं कि आप अहल नहीं हैं। जो जिनके पास कुछ है वो अहल हैं और हम अहल नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि हम अहल नहीं हैं। अच्छा सर, और जो पहले इमरान खान की हुकूमत थी तो शहबाज शरीफ साहब बोल रहे थे कि इमरान खान की हुकूमत जो है ना ये बेड़ा गर्क कर रही है, हम जो सस्ताई करेंगे तो उन्होंने रेट सारे डबल कर दिए हैं, तो उनके बारे में क्या बोलेंगे आप? तो मैं ये बोलूँगा, इमरान खान की हुकूमत ने बेड़ा गर्क तो नहीं किया था, लेकिन शहबाज शरीफ ने आते ही हमारी जो है महंगाई की इतनी महंगाई हो गई कि हमारी जो है कमर टूट गई है। ये सारे जो वादे करते हैं सियासतदान, लेकिन होते नहीं हैं इनके वादे पूरे। और ये दोबारा ही हमारी जो है इनके जो इमरान खान, हम कहते हैं कि अगर आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि इमरान खान ने ऐसा तो नहीं किया था जितना ये जुल्म कर रहे हैं हमारे ऊपर। सर तो आप हुक्मरान को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या उनको बोलना चाहेंगे? मैं हुक्मरानों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि खुदारा आप भी इंसान हैं हमारे जैसे, और हमारे ऊपर जो हुकूमत कर रहा है वो हकीकी बादशाह अल्लाह है, वो हाजिर नाजर है, वो देख रहा है। खुदारा आप हमारे ऊपर इतना जुल्म ना करें, आपके ऊपर अगर जुल्म हुआ तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। देखिए नाजरीन, ये जो है ये एक भाई की नहीं है, तकरीबन पूरे पाकिस्तान की यही, पूरे अवाम की यही जो है राय है, यही उनके दिल के अंदर की आवाज़ यही बोल रही है कि खुदारा रहम किया जाए, अवाम को रिलीफ दिया जाए। तो आगे और भी चलते हैं लोगों के पास, उनसे भी पूछते हैं उनकी भी क्या राय है। थैंक यू सर, शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे मिलकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपका? दुआएं आपकी। सर नाम क्या है आपका? भवानी शंकर। सर ये बताइएगा कि मार्केट क्या चल रही है आजकल? मार्केट ऐसी चल रही है, बात छोड़ दो, महंगाई के हिसाब से बिजली के बिल टैक्स बढ़ा दिए हैं और इतनी महंगाई कर दी है, मार्केट के हालों तो कुछ भी नहीं है। और क्या नाम, महंगाई इतनी बढ़ गई, खर्चे दुकान के नहीं के कारोबार के हिसाब से कुछ भी नहीं है। अच्छा, पहले के टाइम के हिसाब से अभी के जो टाइम है वो किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं आप लोग? ये तो पूछने की बात भी नहीं, ऐसे हालात है, कभी तो दुकान पे कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, ऐसे हालात है, बात छोड़ दो। महंगाई बहुत बढ़ गई है, माल बहुत बढ़ गई, किराए कस्टमर को है भी नहीं। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत से, कोई अर्ज़ या कोई शिकायत? शिकायत क्या करनी है,